तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 7-सीटर कार के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको आप 2022 में या फिर इस दिवाली खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 20 लाख रुपीज। यहाँ पर मैंने बजट रखा है 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में। अगर इस प्राइस रेंज में आपका बजट है और आपको एक अच्छी 7 सीटर कार लेनी है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए, अच्छा खासा कम्फर्ट चाहिए, अच्छे खासे आपको फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20 लाख के अंदर आपको इन कारों का कौन सा वेरियंट खरीदना चाहिए उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं चुप चुप कर, लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगने वाला है सब्सक्राइब करने को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करोगे। खैर, जो फर्स्ट पोजीशन पर कार आती है जिसको आप खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 20 लाख रुपीज, वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक। दोनों ही कारों को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है और दोनों ही कारों ने इंडियन मार्केट में तहलका सा मचा रखा है। तो इन दोनों में से एक कार को आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉर्पियो का पुराना मॉडल पसंद है तो आप स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्कॉर्पियो के अंदर नई चीजें चाहिए, नए फीचर्स चाहिए, नया इंटीरियर चाहिए, नया लुक चाहिए, तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो एन को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही कारों के इंटीरियर में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलने वाला है। इसके फर्स्ट रो के ऊपर, सेकंड रो के ऊपर और थर्ड रो के ऊपर आपको अच्छे खासी स्पेसिंग मिल जाएगी, और स्कॉर्पियो एन के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल के मुकाबले आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। उसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्लासिक मॉडल का इंटीरियर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, और इसके इंटीरियर में आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। इसका डैशबोर्ड चेंज हो चुका है और बहुत सारी नई चीजें क्लासिक मॉडल के अंदर महिंद्रा कंपनी ने इंक्लूड करे है। लेकिन यहाँ पर क्लासिक मॉडल के अंदर आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलने वाला है, और स्कॉर्पियो एन के अंदर एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही कारों के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन के ऊपर आपको 1 साल से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। अगर आज आप स्कॉर्पियो एन को बुक करते हैं तो अगले साल या फिर 2024 तक आपको स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एन को खरीदने के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली 6 महीने और वेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कारों को बेचते हैं, यानी अगर किसी बंदे को स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी मिल चुकी है, यानी उसके पास स्कॉर्पियो एन अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसको स्कॉर्पियो एन पसंद नहीं आती, वो अब बेचना चाहता है, तो जरूर उसको आप परचेस कर सकते हैं एज अ सेकंड हैंड कंडीशन के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 1-2 महीनों से महिंद्रा कंपनी ने स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए आपको लगभग थोड़ा सा वक्त लगेगा, या फिर आप सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं सेकंड हैंड स्कॉर्पियो एन के बारे में। और स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल के ऊपर आपको नॉर्मल सा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, वो आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली है स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 11,99,000 रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 15,49,000 रुपीज तक चला जाता है। और स्कॉर्पियो एन की कीमत स्टार्ट होती है 11,99,000 रुपीज से, और स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल 23,90,000 रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर प्राइजेस आपके सामने है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट कार है, वो है किया की करेंस। ये किया की तरफ से आने वाली एक एमपीवी कार है। इसका लुक आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, इसके इंटीरियर में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके थर्ड रो के ऊपर 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। तो स्पेसिंग के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया था, इसके फर्स्ट रो के ऊपर कितना स्पेस दिया जाता है, सेकंड रो और थर्ड रो का स्पेस भी आपको वहां पर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बेस मॉडल से ही आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे और इस कार का लुक आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है सेफ्टी। सेफ्टी को अगर आप इग्नोर करते हो तो डेफिनेटली आप इस कार को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी को छोड़कर इस कार के अंदर आपको हर एक चीज परफेक्ट मिलने वाली है। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 9,60,000 रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 17,70,000 रुपीज तक चला जाता है। लेकिन 20 लाख के बजट में आप इसका लग्जरी प्लस मॉडल परचेस कर सकते हो टर्बो इंजन के साथ। इसकी ऑन रोड कीमत 19 लाख रुपीज तक चली जाती है, और किया करेंस के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। किया की करेंस 16 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर 2022 में या फिर इस दिवाली आपको एक 7 सीटर कार लेनी है तो आप किया करेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस कार
के ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इस कार के ऊपर 6 महीने से भी ज्यादा आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिलने वाला है। जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको आप खरीद सकते हैं वो है टाटा की सफारी। टाटा सफारी काफी बेहतरीन कार है, इसका लुक भी बढ़िया है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट 20 लाख रुपए के ऊपर है तो आप इसके टॉप मॉडल को डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके टॉप मॉडल के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजें टाटा कंपनी ने प्रोवाइड की है। रिसेंटली इसका जेट एडिशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसका रिव्यू वीडियो मैंने करा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन इसके जेट एडिशन मॉडल से लेकर इसके डार्क एडिशन मॉडल के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 20 लाख के बजट में आपको इसका सिर्फ बेस मॉडल मिलने वाला है, लेकिन अगर आप बाकी कारों के साथ जाओगे तो उनका आपको टॉप मॉडल मिलने वाला है। तो अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए 20 लाख के बजट में तो आप इस कार को स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो आप टाटा सफारी का ऊपर वाला मॉडल डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। 20 लाख के बजट में आप टाटा सफारी का सेकेंड बेस मॉडल खरीद सकते हो, और सेकेंड बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। इसके अलावा टाटा सफारी के बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत 18,30,000 रुपीज तक चली जाती है। आपकी सिटी के हिसाब से ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको आप खरीद सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं वो है हुंडई की अल्केजर। इस कार की भी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार के अंदर बहुत जल्दी कंपनी फिटेड सीएनजी किट आने वाला है। हुंडई कंपनी इसका सीएनजी मॉडल इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और इसके सीएनजी मॉडल की कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर चली जाएगी आराम से, क्योंकि इसके पेट्रोल मॉडल और डीजल मॉडल को लेने के लिए आपको 18 से लेकर 19 लाख रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड कीमत, और 20 लाख रुपए के अंदर आपको अल्केजर का बेस मॉडल ही मिलने वाला है। ऊपर वाले मॉडल को लेने के लिए आपको 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हुंडई अल्केजर में आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको हुंडई का ही प्रोडक्ट लेना है तो डेफिनेटली आप अल्केजर का बेस मॉडल परचेस कर सकते हो अंडर बजट ऑफ 20 लाख रुपीज, और यहाँ पर आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसके सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा वो है एमजी की हेक्टर प्लस। तो इसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। इसके इंटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, लेकिन अगर आपको करंट मॉडल लेना है तो डेफिनेटली आप हेक्टर प्लस का करंट मॉडल खरीद सकते हैं। लेकिन हेक्टर प्लस के थर्ड रो के ऊपर आपको उतनी ज्यादा स्पेसिंग नहीं मिलेगी जितनी की बाकी कारों के अंदर मिल जाती है, तो यहाँ पर इसके थर्ड रो के ऊपर 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन बाकी चीजों की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको काफी हाईटेक लेवल के फीचर्स मिल जाएंगे, और इसके फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है, और बहुत सारे अपग्रेडेड फीचर्स इसके फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर एमजी कंपनी लाने वाली है। तो जैसे ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है तो इसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। 20 लाख के बजट में आप एमजी हेक्टर का पेट्रोल मॉडल परचेस कर सकते हैं जो कि ये बेस वेरिएंट, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 18,86,000 रुपीज देने पड़ेंगे। इसके अंदर डीजल इंजन भी दिया जाता है, और इसके डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको 19,44,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 20 लाख के बजट में आपको एमजी हेक्टर का बेस मॉडल मिलने वाला है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इसके ऊपर वाले मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पर टाटा की सफारी, हुंडई की अल्केजर और एमजी हेक्टर प्लस, ये तीनों कारें ऐसी है जिनका आपको बेस मॉडल खरीदना पड़ेगा 20 लाख के बजट में। अगर आपको इनका ऊपर वाला मॉडल खरीदना है तो आपको 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको टॉप मॉडल मिल सकता है 6 नंबर कार का, जो कि है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इस कार की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है, इसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन इस कार के अंदर आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है, और इसका इंटीरियर काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इसके एक्सटीरियर का लुक आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, और इसके सीएनजी मॉडल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर लगभग 6 महीने से भी ज्यादा आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए के अंदर ही आप इसका टॉप मॉडल खरीद सकते हैं। पेट्रोल में अर्टिगा की टॉप मॉडल की कीमत 14,70,000 रुपीज तक चली जाती है, तो ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपको अर्टिगा के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 13,36,000 रुपीज। यहाँ पर आपको ZXi मॉडल लेना पड़ेगा, और अर्टिगा के सिर्फ 2 मॉडल के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट दिया जाता है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो अर्टिगा पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 20 का माइलेज दे देती है, और सीएनजी किट के साथ ये 25 से लेकर 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। जो 7th नंबर की कार आती है जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं वो है महिंद्रा के XUV 700। आज के डेट में ये इंडिया की नंबर 1 SUV कार बन चुकी है, और इस कार की डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। XUV 700 को 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडियन मार्केट में उतारा गया है, और इसके अंदर आपको टॉप लेवल के फीचर्स मिल जाएंगे। इसके टॉप मॉडल के साथ अगर आप
जाते हो तो आपको एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ये अच्छा खासा माइलेज दे देती है और इसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। तो 2022 में या फिर इस दिवाली आप XUV700 को जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन इस कार के ऊपर आपको 1 साल से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर उतना ही वेटिंग पीरियड चल रहा है जितना कि स्कॉर्पियो एन के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। यानी आज अगर आप XUV700 को या फिर स्कॉर्पियो एन को बुक करते हैं तो दोनों ही कारों की डिलीवरी आपको 1 साल के बाद या फिर उससे ज्यादा टाइम आपको डिलीवरी में लग सकता है। ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। XUV700 और स्कॉर्पियो एन के वेटिंग पीरियड के ऊपर जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इसकी प्रोसेसिंग। अगर आप इन दोनों में से एक कार को आज बुक करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट महिंद्रा के पास जाएगी, महिंद्रा कंपनी आपके रिक्वायरमेंट को समझेगी, फिर आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगी, उसको 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगेगा, उसके बाद आपकी कार डिस्पैच हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और आपकी कार आ जाएगी डीलर के पास और उसके बाद आपको स्कॉर्पियो एन या फिर XUV700 की डिलीवरी मिल जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। पहले कार कंपनियां स्टॉक बनाकर रखती थी, लेकिन आज के डेट में कार कंपनियां ऑर्डर लेने के बाद कारों को मैन्युफैक्चर करती है, तो यहाँ पर प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है और यहाँ पर कार कंपनियों का नुकसान भी कम होता है। तो ये चीजें थी और ये 7 कारें थी जिनमें से एक कार को पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आप अर्टिगा के टॉप मॉडल को खरीद सकते हैं, या फिर 10 लाख के अंदर आपका बजट है तो आप अर्टिगा के बेस मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है 15 लाख के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं तो आप किया करेंस का सेकेंड टॉप मॉडल डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको कम्फर्ट मिलेगा, स्पेस अच्छी खासी मिलेगी और फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलने वाले है। उसके बाद आप टाटा सफारी MG हेक्टर प्लस को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो एन या फिर XUV700 को कंसिडर कर सकते हैं। तो इन 7 कारों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी 7 सीटर कार लेनी है।